अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन। अभी तक की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है आईपीएल की, हमारे चिनाब वैली के जो बदरवा से आबिद मुश्ताक है, जिनको आप आबिद पठान के नाम से भी जानते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ऑलराउंडर है और जम्मू कश्मीर की रांची ट्रॉफी टीम को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी जो है वो आईपीएल में जो है राजस्थान रॉयल ने जो है उनको 20 लाख रुपए में खरीदा है। 20 लाख मैटर नहीं करती है, सबसे बड़ी चीज जो है वो मैटर करती है कि आईपीएल जैसे ब्रेड में कोई टीम बदरवा जैसा दूर दराज इलाका जो आज तक टूरिज्म के नाम से जाना जाता है, बदरवा को जो है वो अब 35 साल से 40 साल के बाद जो है तकरीबन अब नई पहचान मिलेगी। वो पहचान जो है वो आबिद मुश्ताक से मिलेगी। आज से 35-40 साल पहले जब नूरी की वहां पर फिल्म की शूटिंग हुई थी, जो यश चोपड़ा साहब की फिल्म थी वहां पर, जिसमें पूनम ढिल्लो जो है वो लीड रोल में थी और जो फारूक शेख साहब हमारे एक्टर्स जो है उसमें काम किए थे, नूरी के बाद अब बदरवा को जो है वो एक नया नाम मिलेगा। वो अब बदरवा जो है उसको जो है वो आबिद मुश्ताक के नाम से जाना जाएगा। चार दिनों पहले जब यहाँ असरारिया कप था, आबिद मुश्ताक हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पर, हमने जो उनके मेंटर है शफकत खाकान साहब, जब हमने उनसे बात की थी, उन्होंने उम्मीद जताई थी कि आबिद जो है इस बार यकीनी तौर पर जो है वो राजस्थान के पाले में जाएगा। और अभी जब ये खबर आई इस वक्त बदरवा में और चिनाब बेल्ट में पूरा खासतौर पर किश्तवाड़ में भी जो है एक जश्न का माहौल है, हमारे साथ सोहेब मुश्ताक है जो असरारिया के जो है ऑर्गेनाइजर कमेटी में से एक मेंबर थे, हम उनसे बात करेंगे। सोहेब आप हमारे साथ आइए, हम आपको जो है वो पूछेंगे कि आबिद के बारे में जो सिलेक्शन हुई है उसके बारे में जो है वो आप क्या बताना चाहेंगे। सोहेब आप हमारे साथ आइए। सोहेब कैसे देखते हैं आप इस सिलेक्शन को? बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है पूरे किश्तवाड़ में, पूरे चिनाब वैली में। जिस तरह से उनकी मेहनत रही पिछले 3-4 साल से, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे इस चीज़ को पाने के लिए, और फाइनली उन्होंने वो मकाम हासिल किया जिस चीज़ के लिए वो जाने जा रहे हैं। सोहेब आखिर तक हम निराश थे, फोन बंद होने वाला था, हम फोन बंद करने वाले थे कि हम इतने डिसअपॉइंटेड थे कि लगा कि आबिद का नाम जो है वो नहीं आएगा। अचानक आपके हमारे वो स्क्रीन पर जो है वो आबिद आ गए और आप जो है चीखना शुरू हो गए। आपने तो खुद देखा कि मैं कितना सीरियस था, सब सीरियस था, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट अब बैठे थे कि सब इवन उमर मिंगू तो कह रहा था कि शायद अब उनका नाम आना बहुत मुश्किल है, लेकिन तभी से मैंने जो ही मैंने उनका फोटो स्क्रीन पर देखा तो मैं बिल्कुल एकदम छलांग मार गया। मैंने सबको बुलाया कि सब लोग खामोश हो जाओ, ये देखो कि आबिद का नाम आ गया। और आखिरकार आबिद को जो है वो राजस्थान रॉयल ने खरीदा और जो स्टेप जो है वो लगे। मैं आबिद के बारे में बता दूं, शोएब आपने खेला भी है आबिद के साथ और हमने उसको देखा भी है, जो आबिद है वो एक डिफरेंट तरह के जो है वो बॉलर है। लेफ्ट आर्म बॉलर इंडिया में काफी है लेकिन वेरिएशन जो है वो किसी में नहीं, जो वेरिएशन आबिद की बॉलिंग में है वो किसी की बॉलिंग में नहीं है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आबिद जो है वो एक स्ट्रांग बैट्समैन भी है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए काफी रन भी बनाए हैं और विकेट भी ली है। किस तरह से जो है वो हम आबिद को एज ए बॉलर कम और एज ए ऑलराउंडर जो है वो ज्यादा देखते हैं? जाहिर सी बात है वो एक अच्छे ऑलराउंडर है, मतलब इतना पॉसिबल हो सकता है कि वो कल इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंशाल्लाह, बिकॉज उनकी जो स्ट्रेंथ है उनकी जो क्वालिटी है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, मतलब जिस लास्ट 3-4 साल से उनकी परफॉर्मेंस को अगर नोटिस किया जाए नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस रही, उनका डोमेस्टिक बहुत कमाल का रहा, इवन की उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट जितना ही स्ट्रॉन्ग रहा उतना ही उनका बैटिंग डिपार्टमेंट भी स्ट्रॉन्ग रहा। अभी मैं शफकत से फोन पे बात कर रहा था, काफी खुशी है इस वक्त बदरवा में आबिद से बात नहीं हो पा रही क्योंकि जाहिर सी तौर से बात है कि उनका जो फोन है वो इस वक्त जो है वो बिजी आ रहा है। शफकत उम्मीद है कि जिस तरह का आबिद जो है वो खिलाड़ी है, राजस्थान रॉयल जो है वो उसको पूरे मैचेस खिलाएगी, यानी कि जो आईपीएल में 18 मैचेस होंगे। उम्मीद है कि जो शफकत की बात पर अगर हम गौर करें, और जो बात बिल्कुल सही भी है क्योंकि आबिद जो है वो एक तरह से जो लास्ट में आपको 20-30 रन भी देगा, यानी कि एक राजस्थान की टीम में उसकी मौजूदगी से बैटिंग डेप्थ भी होगी, बॉलिंग ऑलराउंडर तो वो है ही है ही, वो बॉलिंग जो है वो इस वक्त जो उसकी वेरिएशन है लेफ्ट हैंड में वो कराती, हमें उम्मीद है कि शफकत बोल रहे हैं कि वो जो है वो पूरे 18 के 18 मैच खेलने के कंटेंडर है, तो क्या उम्मीद है आप? देखिए मैं कोई ऑफिशियल
प्रेडिक्टर नहीं हूँ, लेकिन आबिद के हवाले से अगर मैं ये चीज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि उनका इंडिया का जो सफर था वो बहुत करीब आ चुका है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उनको बहुत करीब वो इंडिया की टीम के लिए पहुंचा गई। अब देखिए नोटिस एक चीज करना होगा कि उनको 18 मैचेस मिलते हैं या 10 मैचेस मिलते हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस, उनका पहला मैच मैटर करता, उनका पहला मैच कब मिलता। अगर वो अर्ली टाइम्स में ही मिला तो आप देखिएगा कि वो पूरे मैचेस खेल पाएंगे, क्योंकि उमरान मलिक और अब्दुल समद उसी शैली के खिलाड़ी। अगर मैं ये भी बता दूं कि उनसे भी ऊपर परफॉर्मर है, इसमें कोई शक नहीं है। समद को जो है वो काफी चांसेस मिले बैटिंग में, उनको चांसेस मिले। उमरान जो है वो हमारे इंटरनेशनल खेल गए, लेकिन बदकिस्मति की बात है कि उमरान में थोड़ा सा एक चीज ये है कि जब हम डिस्कस कर रहे थे कि उमरान में जो है वो सिर्फ पेस है, वेरिएशन जो है वो नहीं है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे इस बार जो है वो सिल्वर वन भी डालेंगे, थोड़ी सी वेरिएशन में भी जो है वो अपनी बॉलिंग में लाएंगे, ताकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो सर्वाइव कर पाए। आबिद मुश्ताक की बात जो है कि इसके बाद जो है एक तो इंटरनेशनल लेवल के दरवाजे खुल जाएंगे आबिद मुश्ताक के लिए, और साथ में जो है अब इंटरनेशनल लीग में भी जो है उनकी नजरों में भी जो है वो आबिद आएगा, क्योंकि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आबिद की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रहे। अब डिसअपॉइंटमेंट जितना हिनाद को लेकर है उतनी ही खुशी जो है वो अब जो है वो आबिद को लेकर है। क्या हिनाद जो है वो एंट्री कर पाएंगे? देखिए हनान का सिर्फ परफॉर्मेंस का इशू रहा, अगर हनान की मैं बात करूँ, हनान बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी थे उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका लास्ट 2 साल का परफॉर्मेंस बिल्कुल कम रहा, जिसकी वजह से सिलेक्टर और जो ये फ्रेंचाइजीज थे उनका नाम उन पर नहीं लगा, मतलब उनकी नज़र उन पर नहीं पड़ी। और सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको आबिद के ही वाले, बिकॉज आबिद का ही नाम आया, मैं उनकी बात करूँ, आप एक चीज़ नोटिस करना, इस बंदे में इस तरह की कैपेसिटी है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना इसके लिए कितना ही आसान होगा। लाइक मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जडेजा के बाद आबिद जैसा ऑलराउंडर कौन, आप मुझे नोटिस करवाइए आपकी डोमेस्टिक लेवल, यानी कि क्योंकि आप टीम इंडिया को जब परफॉर्मेंस होगी आबिद की, फिर एक अल्टरनेटिव भी मिलेगा, क्योंकि टीम इंडिया इतना क्रिकेट अगले 5 सालों में खेल रही है, शायद रोटेशन के बेसिस पर जो है जडेजा और आबिद के बीच में जो है वो इंतखाब किया जा सकता है, और उनको जो है वो टीम इंडिया में आगे चलकर जगह भी मिलेगी। हम उम्मीद करेंगे कि हिनान भी जो है वो आगे चलकर जो है वो कामयाब हो जाए। जब हम यहाँ पर आबिद से बात कर रहे थे कि उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, आबिद जो है वो ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे थे, हालांकि वो अंदर से पूर्व उम्मीद थे। जब शफकत का हमने इंटरव्यू किया और उस पर जब पूछा हमें कि क्या सिस्टम है आबिद को आगे बढ़ने के लिए, जब शफकत ने बात की और उन्होंने बताया कि वो उम्मीद है कि आबिद जो है वो जाएगा, अब आबिद के लिए क्या फोकस होना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं आबिद को जानता हूँ, और आप जानते हैं रिसेंटली 2 दिन पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई, नहीं मेरी कई साल मुझे नहीं, मतलब 2 दिन पहले मुलाकात हुई रिसेंटली, मैं कह रहा हूँ कि उस बंदे का अनलेस और अंटिल ही फोकस है कि टीम इंडिया में एंटर करना है। और यकीन मानिए रविंद्र जडेजा के बाद इस तरह का ऑलराउंडर इंडिया के पास नहीं, और एज ग्रुप भी उसकी एज भी बहुत मतलब डिजर्विंग एज है जहां पर वो इंडिया पहुंच सकता। और मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका हूं कि मैं कोई ऑफिशियल प्रिडिक्टर नहीं हूं, लेकिन एक चीज नोटिस करना, आप यकीन मानना कि वो बंदा बहुत जल्द इंडिया को। साहब मैं आपने बताया कि आप प्रिडिक्टर नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि एक मशहूर मुहावरा है, प्रेज गोज अप एंड ब्लेसिंग्स कम्स डाउन। हम सिर्फ आबिद के लिए दुआ कर सकते हैं, जो दुआ अल्लाह ताला के पास पहुंचेगी और वहां से जो है वो उसके लिए ब्लेसिंग्स के दरवाजे खुल जाएंगे। आज ये पहला दरवाजा जो है ब्लेसिंग्स का जो खुल गया आबिद के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले दरवाजे भी जो है वो आबिद के लिए आसानी से खुले। हम इस खबर पर जो है वो आगे भी नजर रहेंगे, और हम निसार से और बाकी लोगों से भी जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।